सूक्ष्म कण में जितने बात लिख रहे थे, सूक्ष्म कण जैसे इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन कण के साथ साथ तरंग की भांति व्यवहार करते हैं, अर्थात अर्थात इन सूक्ष्म कणों की अर्थात इन सूक्ष्म कणों की द्वैत प्रकृति होती है। द्वैत का मतलब दोहरी, जैसे किसी एक व्यक्ति के दो नाम हो सकते हैं। द्वैत प्रकृति होती है, इसके संबंध में प्रश्न लगा लिखेंगे। इसके संबंध में डी ब्रोगली ने इसके संबंध में डी ब्रोगली ने एक समीकरण प्रस्तुत की इसके संबंध में डी ब्रोगली ने एक समीकरण प्रस्तुत की जिसे जिसे डी ब्रोगली समीकरण कहते हैं जिसे डी ब्रोगली समीकरण कहते हैं। डी ब्रोगली समीकरण कहते हैं। नीचे लिख देंगे व्युत्पत्ति। व्युत्पत्ति अब ना इधर देखते रहो जरा, आज इस चैप्टर खत्म कर गई बहुत लगे बता। अब बोलो मजरा जरा हो जाएगा अभी। देखो भाई व्युत्पत्ति इसमें लिखेंगे सबसे पहले प्लांक के समीकरण से, प्लांक के समीकरण और प्लांक के समीकरण होती है E बराबर एच न्यू समीकरण एक। फिर लिखेंगे आइंस्टीन के समीकरण से, आइंस्टीन के समीकरण है याद रखना, आइंस्टीन के समीकरण अभी अभी इस चैप्टर में जो तुमने निकाली ना वो आइंस्टीन के समीकरण नहीं है, वो आइंस्टीन के प्रकाश वैद्युत समीकरण है, अंतर समझ लेना। आइंस्टीन की जो ओरिजिनल नाम से आइंस्टीन को जिसके लिए जाना जाता है वो E बराबर एम सी स्क्वायर होती है। E बराबर एम सी स्क्वायर समीकरण नंबर दो। समीकरण एक व दो से क्या हो रहा है, बहुत अच्छा टॉपिक चल रहा है, बेकार मोड उठ के ऐसी तैसी कर रहे हो, इधर को देख लो। समीकरण एक और दो से, एक और दो से हमारे पास आ जाएगा एम सी स्क्वायर बराबर एच न्यू, क्योंकि c बराबर होता है न्यू लैम्डा, तो न्यू बराबर क्या हो जाएगा, न्यू बराबर हो जाएगा c अपॉन लैम्डा। देखो इन्होंने क्या बात बताई थी, दरअसल अपने आप में इतनी बड़ी खोज थी कि इस खोज के लिए इन्हें नोबेल मिला था, ठीक है जी। अब ये क्यों मिला था, क्यों इसलिए मिला था क्योंकि कणों को कण ही माना जाता था। इन्होंने बताया जो कण होते हैं, कण तो ठीक है कण होते हैं, लेकिन जो सूक्ष्म कण होते हैं वो कण के साथ साथ तरंग भी होते हैं, जबकि दो अलग अलग दुनियाएं हैं, तरंग वाली दुनिया अलग है और मैटर वाली दुनिया अलग है, मैटर मतलब पदार्थ वाली दुनिया अलग है जो कण ये कण होते हैं। इन्होंने दोनों को कंबाइन कर दिया, इन्होंने बताया जो कण होते हैं अगर वो तीव्र गति से चलें या किसी कोई व्यवहार इस तरीके से करें तो वो तरंग भी बन सकते हैं, और प्रयोग करके दिखाया बाकायदा, और उसके लिए इन्होंने समीकरण भी निकाली और उस समीकरण को डी ब्रोगली समीकरण कहते हैं, और जो तरंगें उस समीकरण का पालन करती हैं या जो कण करते हैं उस समीकरण का पालन उन्हें डी ब्रोगली तरंगें कहते हैं। ये सब इसमें आने वाला है। अब देखो इन्होंने समीकरण जो बनाई, न्यू की वैल्यू लगा देंगे, दो समीकरणों को आपस में मिला के बना दिया। और एक और जानकारी के लिए बता दूँ, ये कोई वैज्ञानिक नहीं थे, ये हिस्ट्री के टीचर थे जिन्होंने विज्ञान में खोज की। सी अपॉन लैम्डा, अब एक सी से एक सी कैंसिल हो गया, एम सी बराबर एच अपॉन लैम्डा, लैम्डा ऊपर ये नीचे, तो जी लैम्डा बराबर एच अपॉन एम सी है। अब हो क्या रहा है इसमें, तरंग दे दिए हैं, ये प्लांक नेतांग है, ये द्रव्यमान है, ये प्रकाश की चाल है, प्रकाश तरंग के रूप में चलता है। तो ये इन्होंने समीकरण बनाई समीकरण नंबर तीन, और ये कोई बड़ी भारी खोज नहीं थी, ये तो सिंपल सी बात है कि भाई तरंग है तो तरंगों की तरंग दे दिया होती है, याद रखना। सी क्या है, प्रकाश की चाल है, प्रकाश जो होता है वो तरंगे हैं,
और तरंगों की अपनी तरंग दैर्ध्य होगी, ये कोई नई बात नहीं है, ऐसा हर किसी तरंग की, याद रखना तरंगों की तरंग दैर्ध्य होती है, अगर तरंग है तो उनकी तरंग दैर्ध्य भी होगी। तरंग दैर्ध्य मैं बता देता हूँ क्या होती है, एक कंपन पूरा करने में तय किया गया विस्थापन लैम्डा कहलाता है, ये तरंग दैर्ध्य होती है, तरंगों में होती है लेकिन कणों में नहीं होती है, याद रखना। अगर कोई कण यहाँ से यहाँ तक चल जाए तो उसकी तरंग दैर्ध्य नहीं होगी, उसकी अपनी चाल होगी, जो भी होगा संवेग होगा, बल हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ऊर्जा हो सकती है, लेकिन तरंग दैर्ध्य नहीं होगी, कणों की तरंग दैर्ध्य नहीं होती है, तरंगों की तरंग दैर्ध्य होती है। कण का जो एक स्थान से दूसरे स्थान तक चलेगा तो दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी को हम विस्थापन कहते हैं, लेकिन तरंग जब एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक एक चक्कर पूरा करती है तो उसके द्वारा चली गई दूरी या विस्थापन को हम तरंग दैर्ध्य कहते हैं। क्लियर हो गया अंतर? ये समीकरण इन्होंने बनाई, समीकरण बना के तरंगों की तरंग दैर्ध्य आ गई, कोई बड़ा काम नहीं किया। लेकिन डी ब्रोगली ने यहाँ से अपने प्रयोग किया, डी ब्रोगली ने प्रकाश की चाल सी के स्थान पर कण की चाल या वेग समझ लो, कण की चाल बी बी को स्थापित करके समीकरण प्रस्तुत की, अर्थात सी के स्थान पर इन्होंने बी लगा दिया, ये प्रकाश की चाल की तरंग थी लेकिन ये कण की चाल थी, इसके स्थान पर लगा दिया, तो अब क्या बन जाएगा, अब बन जाएगा लैम्डा बराबर एच अपॉन एम बी। अब पता चला वैल्यू रखा है, लैम्डा का मान फिर भी आ गया, ये खोज थी अपने आप में कि तरंगों की तरंग दैर्ध्य आ रही थी, कोई नई बात नहीं क्योंकि तरंगों की तो तरंग दैर्ध्य होगी, लेकिन कणों की तरंग दैर्ध्य आ रही है ये अपने आप में नई बात थी। अगर कणों की तरंग दैर्ध्य आ रही है इसका मतलब कण जो है वो तरंग की भांति व्यवहार कर रहे हैं, अगर वो व्यवहार नहीं करते तरंग की भांति तो उनकी तरंग दैर्ध्य नहीं आती, ये जीरो आती। लेकिन इन्होंने इसका प्लैंक का मान लगाया, उसके इलेक्ट्रॉन का जो भी द्रव्यमान है प्रोटॉन का वो लगाया, उसकी चाल लगाई तो पता चला तरंग दैर्ध्य का कोई ना कोई मान आ गया, और वो रियल मान था, कोई ना कोई तरंग दैर्ध्य होती थी दुनिया में, जब होती थी तो तब इन्होंने बताया कि इस प्रकार जितने भी कण हैं वो तरंगों की भांति व्यवहार करते हैं, और सूक्ष्म कणों की दोहरी प्रकृति होती है, वो कण भी होते हैं और तरंगें भी होती हैं। समझ में आ गया हुआ? तो यहाँ से बताया उन्होंने, इसे ही कहते हैं डी ब्रोगली समीकरण। तो हम कहेंगे क्या ना, समीकरण प्रस्तुति तीव्र आवर्तन आ गया, यही डी ब्रोगली समीकरण है, कहीं कहीं ना डी ब्रोगली भी आ जाता है ऐसे करके, तो कोई मतलब नहीं है, यही डी ब्रोगली समीकरण है। अब हम कहेंगे चूंकि कण कण का संवेग क्या होता है भाई, कण का संवेग p बराबर जो होता है वो होता है एम बी होता है, अगर p बराबर एम सी लिखेंगे ना तो तरंग का संवेग आ जाएगा, इसलिए इसकी जगह हम लगा सकते हैं लैम्डा बराबर एच अपॉन पी। यह है डी ब्रोगली समीकरण का अन्य रूप है, ये भी डी ब्रोगली समीकरण है लेकिन अन्य रूप है, इसका अन्य रूप है। इस प्रकार देखो ये काम की बात, इस प्रकार डी ब्रोगली समीकरण से संबद्ध है जो है वो उसके ऐसे संबद्ध तरंगों को डी ब्रोगली तरंगे पदार्थ तरंगे मैटर वेव या पदार्थ वेव कहते हैं। एक बार वही बोल रहा हूँ, डी ब्रोगली तरंगे लिखवाया नाम, पदार्थ तरंगे लिखवाया, और मैटर वेव जो था ना वो मैटर वेव हमने ऐसे लिखा था, मैटर जैसा होता है, तो एग्जाम में ये आया था हिंदी में लिखा हुआ, बहुत सारे छोड़ो 90% बच्चे मैटर वेव छोड़ आए थे, पता ना क्या चीज़ है मैटर वेव, तो मैटर मतलब पदार्थ तरंगें ही होती हैं,
जरूरत से ज़्यादा होशियार टीचर होते हैं, जो कि मतलब एक तो होता है इंग्लिश में नाम, हिंदी को उसे में से पदार्थ तरंगों को, पदार्थ मतलब मैटर, वेव को मतलब तरंगे, तो पदार्थ तरंगों को इंग्लिश में मैटर वेव कहते हैं ऐसे, लेकिन उन्होंने ऐसे लिख के ना देखे ना, हिंदी में भी यही लिखा और उसका इंग्लिश वर्जन भी यही लिखा, तो दोनों इंग्लिश और हिंदी ऐसे लिख दिया मैटर वेव, पदार्थ तरंगों के नाम से नहीं दिया। एक नंबर में क्वेश्चन था, तुम जब अनसॉल्व पेपर देखोगे तुम्हें मिल जाएगा मैटर वेव किसे कहते हैं, तो मैटर वेव का मतलब क्या था, डी ब्रोगली तरंगे ही पूछी थी उन्होंने। कहते हैं अब फिर आ जाएगी कणों की गतिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा, एक सेकंड देख लो मुझे, गतिज ऊर्जा, अब गतिज ऊर्जा जो होता है वो होता है फॉर्मूला ई के बराबर हाफ एम बी स्क्वायर, ई के बराबर जो है वो एक बटे दो एम बी इंटू बी, ऐसा लिख सकते हैं हम इसे दो बी को अलग अलग, क्योंकि एम बी बराबर जो ना हमारे पास एक बटे दो पी बन जाएगा, पी बी हम इसे ऐसे भी लिख देते हैं, क्योंकि ये गतिज ऊर्जा में इसमें संबंध दिखा देते हैं इसे, या अगर जो कोई ऐसे ना समझ पाए ना तो फिर एक दूसरा तरीका होता है, एक बटे दो एम स्क्वायर अपॉन एम इंटू बी स्क्वायर, एक बटे दो अभी भी ना समझेंगे, एम बी को हमने एक साथ लिख दिया, एक बटे दो यहाँ हो गया पी स्क्वायर, ये हो गया एम और ये हो गया ई के, तो जी देखो सर तिरछी गुणा कर देंगे इन दोनों की, तो टू ई के टू एम ई के पी स्क्वायर, या पी बराबर अंडर रूट के टू एम ई के, तो गतिज ऊर्जा में और संवेग में ये संबंध भी आ जाता है कणों के लिए। फिर आ जाती है आवेशित कण या आवेशित कण, जो ठीक है आवेशित कण लिखो, व्यक्ति को एक समान एग्जाम आ रखा है ये वाला आर्टिकल जो अभी ये लिख रहा हूँ, एक समान रूप से त्वरित इलेक्ट्रॉन की तरंग दे दिए, एक समान रूप से त्वरित इलेक्ट्रॉन की तरंग दे दिए, या खाली त्वरित इलेक्ट्रॉन की तरंग दे दी जा सकती है, तो हम कहेंगे डी ब्रोगली समीकरण से लैम्डा बराबर होता है एच अपॉन पी, चूंकि पी बराबर अभी अभी मान आया है टू एम ई के, इसलिए लैम्डा बराबर एच अपॉन टू एम ई के आ जाएगा। आवेशित कण की गतिज ऊर्जा, आवेशित कण की गतिज ऊर्जा किसी को याद है चैप्टर नंबर तीन में, के बराबर या ई के बराबर हो सकता है आपको, क्योंकि हमने ई निकाल रखा है, क्यू बी होती है। ये फॉर्मूला हम थर्ड बार यूज़ कर रहे हैं, एक बार तो चैप्टर नंबर तीन में हमने किया है जो भी है, उसके बाद में कहाँ किया है, उसके बाद में क्या साइक्लोट्रॉन में जब कण जो है साइक्लोट्रॉन से बाहर आता है खाली स्थान पर दो बार बाहर आता है तो टू क्यू बी किया है, और अब यहाँ यूज़ कर रहे हैं इसका, तो ये वाला मान जो है वो हम यहाँ लगा देंगे, लैम्डा बराबर एच अपॉन अंडर रूट के टू एम और यहाँ आ जाएगा क्यू बी, वैल्यू लगाएंगे एच बराबर देखो क्या है, एच बराबर है 6.6 गुणा 10 की घात माइनस के 34 जूल सेकंड, एम इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान 9.1 इंटू 10^-31 माइनस 31, और जी क्यू इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है 1.6 गुणा 10 की घात माइनस के 19 कूलाम किलोग्राम, ये सारी वैल्यू जो ना हम इसमें लगा रहे हैं, लैम्डा बराबर एच अपॉन टू 9.1 गुणा 10 की घात माइनस के 31, 6.6 गुणा 10 की घात माइनस के 34, ये 31 आ गया, यहाँ आ जाएगा 1.6 गुणा 10 की घात माइनस के 19
और ये वोल्टेज आ गया बी, ये सारा मान इतना 6.6 गुणा 10 की घात माइनस के 34, इसे हम रूट से निकालेंगे 9.8 और 1.6, और ये माइनस से 19 है और ये 31 है, कितना हो जाएगा 50 गुणा बी, सब अंडर रूट में चलना है, बी वोल्टेज है कैपिटल बी है। इतना करने के बाद में लैम्डा का जब मान निकालेंगे तो ये 1227 आएगा, रूट बी गुणा 10 की घात माइनस के 10 मीटर, या लैम्डा बराबर 1227, तो मैं ऐसे लिखना है 2 के बाद दशमलव में, और बी एंगस्ट्रॉम, ये होती है इलेक्ट्रॉन की तरंग दैर्ध्य। हाँ जी, तो क्वेश्चन जो आ रखा है उससे एक बात तो इलेक्ट्रॉन के लिए तरंग दैर्ध्य के बी का वोल्टेज बता देगा, इतने वोल्टेज पर इलेक्ट्रॉन की तरंग दैर्ध्य क्या होगी, तो वो उसके लिए सीधा सीधा एक नंबर में क्वेश्चन आया था, तो ये न्यूमेरिकल आ गया मतलब, और बाकी ये तुम्हें सिद्ध करना है। तो अब अगर जो तुम इसकी वैल्यू डायरेक्ट सॉल्व करना शुरू करोगे ना, तो ये कम से कम 10-15 मिनट तुम्हारी कैलकुलेशन खा जाएगी। एक तो आपस में गुणा करोगे, रूट से बाहर निकालोगे, बाहर निकाल के इसे डिवाइड करोगे, इसलिए ज़्यादा चक्कर में ना पड़ के डायरेक्ट तुम एक वैल्यू याद रखो कि 1227 होता है 2 दशमलव के पहले, ऐसे करके दो अंकों से पहला दशमलव आ जाएगा, 1227 सीधा सीधा आंसर होता है इसका। तो 1227 याद रख लो, 1227 याद रखो, या 1227 के नाम से याद रखो, बटे में बी आ जाता है, गुणा 10 की घात माइनस 10 आ जाता है, और ये, और एक साल तुम्हें क्वेश्चन ऐसे देखने मिलेगा कि सिद्ध कीजिए ये बराबर ये, उन्होंने कुछ नहीं दिया, ना इलेक्ट्रॉन दिया, ना तरंग दे दी, डायरेक्ट उन्होंने दिया था कि सिद्ध कीजिए लैम्डा बराबर इतने बराबर इतने। इसके बाद एक टॉपिक हुआ करता था डेविनसन जर्मर का प्रयोग। डेविनसन जर्मर ने ये बताया था कि जो डी ब्रोगली ने बताया ना कि कण दोहरी प्रकृति होती है, तो उन्होंने अपना एक पूरा सिस्टम बनाया था चित्र उसमें, और प्रयोग करके दिखाया था कि जो डी ब्रोगली ने बताया है वो सही है। तो इलेक्ट्रॉन की दोहरी प्रकृति के संबंध में प्रयोग किया था, इस बार सिलेबस में नहीं है, तो इसलिए वो टॉपिक पढ़ाया नहीं जा रहा है, और यहाँ तुम्हारा चैप्टर पूरा खत्म हो जाता है, यहाँ से न्यूमेरिकल होंगे। हाँ जी, कणों की गतिज ऊर्जा, देखो भाई कणों की गतिज ऊर्जा देख लो, ई के बराबर हाफ एम बी स्क्वायर होता है, सब कोई बताया इतना हमें याद, और ये ना फॉर्मूला हमने फर्स्ट ईयर में भी करवा रखा है, उसमें 10वें चैप्टर में ना गतिज ऊर्जा और संवेग में संबंध कराते हैं, टाइम से ऊपर नीचे ये गुणा कर देंगे, क्यों कर देंगे, क्योंकि पी बराबर एम बी होता है, तो एम बी अब या तो बी को अलग अलग तोड़ दें, या हमने एम को ऊपर नीचे गुणा करके एम स्क्वायर बी स्क्वायर बना लिया, इन दोनों को स्क्वायर को ऐसे लिख देंगे, एम बी बराबर पी हो गया, पी पे स्क्वायर हो गया, इन दोनों की तिरछी गुणा कर दी तो पी बराबर ये आ गया, पी के अंडर रूट कर दिया तो ऐसे लिख दिया सीधा आता, बाकी ये लगा दिए। तो जी चैप्टर तुम्हारा खत्म, वो यहाँ तक करेंगे, लैम्डा बराबर एच अपॉन पी तक। अभी कौन सा क्वेश्चन कैसे करना है, कितना अटैम्प करना है, कैसे क्या करना है, ये सारा प्रोसेस तुम्हें बताया जाता है, जब तुम युद्ध में जब कूद रहे होते हो तो युद्ध से पहले तुम्हें तैयारी करवाई जाती है कि भाई देखो भाई ऐसे ऐसे तुम्हें करना है, यहाँ तुम अपने बलबूते पर कितना भी याद करके चले जाओ लास्ट में तुमसे क्वेश्चन छूटेंगे डेफिनेटली, और जब हमारे हिसाब से करोगे तो लास्ट में टाइम बचेगा, इस बात की डेफिनेटली गारंटी, इस बात की गारंटी है कि बचेगा और कम्प्लीटली बचेगा, और धोखे से एक आध क्वेश्चन तुम्हारी याद करना आया तो और ज़्यादा बचेगा, ये तो उन लोगों का बचेगा जिन्हें सारा पेपर आता है, लेकिन कभी कभी ऐसे होशियार है कि वो क्वेश्चन कवर जरिए से बाहर आ गया। अफसोस और खुशी दोनों होती है ना, फिर उसमें यह है कि अगर जो क्वेश्चन याद कर नहीं आया या क्वेश्चन कहीं बाहर से आ गया जो हम याद करके नहीं गए तो कोई बात नहीं, एक दो नंबर का नुकसान हो रहा है, लेकिन खुशी मनाओ कि हमारा टाइम बच गया, हम उतना टाइम जो है वो दूसरे क्वेश्चन के मैकअप में खर्च करेंगे, वो बाकी सब लोग समझते हैं, कुछ लोग छोड़ गए। दरअसल जो मेकअप करते हैं ना वो पहले खुद मेकअप नहीं लगाते हैं अपने, मेकअप का मतलब होता है जो दूसरों को कर देता है ना, ऐसा नहीं कि पहले अपने देखो ना क्रीम है पहले अपने लगा के दिखाए दुकानदार, समझ लो, या कोई
अगर कपड़े अगर जो दिखा रहा है तो उसका मतलब ये नहीं है कि वो कपड़े पहन के दिखाए, ऐसा तो पूरा दिन ही सिराज कपड़े उतारता बदलते रहेगा। एक धातु का कार्य फलन 6.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। इस वस्तु के लिए देहली आवृत्ति की गणना कीजिए। इस वस्तु के लिए देहली आवृत्ति की गणना कीजिए। हाँ जी, हाँ सर, देखो इधर, चूंकि फॉर्मूला होता है कार्य फलन बराबर एच न्यू जीरो होता है, फाई जीरो बराबर एच न्यू जीरो होता है, या एस सी अपॉन लैम्डा होता है। लैम्डा पूछते तो हम लैम्डा बताते हैं, अभी तो फिलहाल आवृत्ति पूछी है मैंने। तो जी इसमें एक दिक्कत है, इसमें दिक्कत यह है कि जो फाई का मान होता है ना, फाई का मान वो जूल में होता है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में नहीं होता है। तो नियम याद रख लेना कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में कैसे कन्वर्ट करते हैं और जूल को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कैसे कन्वर्ट करते हैं, दोनों तरीके होते हैं। एक तरीका सही से याद रखो वो ये है कि अगर जूल दिया है जूल, तो अगर तुमने उसे इलेक्ट्रॉन के आवेश से भाग कर दिए 6.1.6 × 10⁻¹⁹, तो ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बदल जाता है। जो भी मान जूल में दिया हो उसे तुम इतने से भाग करो तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बदल जाता है। अगर इलेक्ट्रॉन वोल्ट दिया है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट दिया है और तुमने इतने से गुणा कर दी, तो वो जूल में बदल जाएगा। दोनों चीज़ें होती हैं, तो आप कहना में जूल में बदलना है। तो हम कहेंगे दिया है फाई बराबर और फाइव जीरो बराबर है 6.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 6.4 गुणा 1.6 गुणा 10⁻¹⁹। अब ये जूल में आ गया, इसलिए अब जब ये जूल में फाइव जीरो का मान आ गया तो हम इसे समीकरण एक में वैल्यू लगा देंगे। ये समीकरण एक से वैल्यू जो आ जाएगी वो आ जाएगी न्यू जीरो फाइव जीरो अपॉन एच, एकदम नहीं चले आए, इसकी वैल्यू लगा देंगे 6.4 और 1.6 गुणा 10⁻¹⁹ और एच की वैल्यू आ जाएगी 6.6 गुणा 10⁻¹⁴। दशमलव हटाएंगे इस दशमलव से, ठीक है जी, और इसे डिवाइड कर देंगे 33 बार ही कटेगा और ये हो जाएगा 32। 16 × 2 = 32, 16 × 3 = 48 और 3 = 51, 33 और 10⁻¹⁹ ये ऊपर पहुंच जाएगा −19 +34। डिवाइड करेंगे 500 बारों को 33 से, एक बार जाएगा 33 और कौन सा 10 रह गया, चलो कोई नहीं, बाद में एक जीरो बढ़ा देंगे, बाद में बढ़ा देंगे। अब देखो इधर क्या कह रहे हो, एच का मान होता है 6.6। और एक और बात बता दूं मैं, जैसे आप पूछ रहे हो ना कि 6.6 कहाँ से आ गया, कहाँ से आ गया, तो पेपरों में ही मिलेगा नहीं, तो मैं ऐसे फ्रंट पेज पे जहाँ वो इनको दिए थे ना कंडीशन, उसके निर्देश दिए होते हैं वहीं ये मान होते हैं। और मान भी ऐसे नहीं होते कभी तुम सोचोगे एच बराबर ये, ऐसे लाइन में दे देंगे प्लांक ने तांक बराबर इतना इसके इतना, ऐसे करके लाइन पूरी घुमाते रहेंगे ऐसे करके, हिंदी में लिखे हुए मान होते हैं ढूंढने से, उसमें एप्सिलॉन जीरो का मान नहीं देते, ऐसे लिखे होंगे माध्यम का परावैद्युतांक या निर्वात का परावैद्युतांक 8.8 × 10⁻¹² इतने इतने इतने, तो ऐसा लगेगा जैसे कोई निर्देशांक लिख रहे हैं सब। तो इसलिए होश मौक के सही से पढ़ लेना, कभी ढूंढते फिरोगे प्लांक नेतांक तो दिया ना था हम क्या करते, या कोई नेतांक तो दिया नहीं था, समझ रहे जी। जैसे किसी वो चार पांच लड़कों को उसने कमरे में बंद कर दिया और उसमें वो लैंप जला दिया था और राशन पानी दे दिया, है ना भाई साहब आराम से बनाओ खाओ, तो पूरे रात भर दिन भर भूखे मर गए, है ना, क्यों, है ना, तुमने माचिस तो दी नहीं जलाना आग, समझ गए, कमरे में लैंप जल रहा था, तो अब कह रहे माचिस देते तभी तो हम आग जलाते, माचिस या लाइटर, लाइटर तो तुमने दिया ना, हम आग कैसे जलाते। तो वही चीज़ है, कभी नेतांग ढूंढते फिरो, क्या नेतांग तो दिया ना था, मान कहाँ से लगाते हम। तो देख लो इधर 11 × 3, हाँ जी 3 छंग
पाँच या पंद्रह, पाँच या पंद्रह एक 16, बारह साथ जाएंगे, है जी। अरे ऐसा रोक रही हूँ मैं, अभी आ रहा हूँ, जरा एक मिनट। हाँ 34 इसमें से, हाँ जी आप बताओ। हैं आप नहीं पूछ रहे आगे, ये बता रहे हैं बस जी, लिखो जरा इतना। उतार लेना ये क्वेश्चन, इसका दूसरा पार्ट भी।